हिमाचल प्रदेश की ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का चंगर इलाका आज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। राज्य की सरकारें यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल साबित हुई हैं। मूसलाधार बारिश ने चंगर क्षेत्र में इन दिनों जनजीवन प्रभावित कर रखा है। सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहे वीडियो में थड़ा डुंडरू गांव की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे शासन प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। तेज बरसात और खड्डों को पार करते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ है और तेज बरसात होने पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हिमाचल के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के चंगर इलाका आज भी पिछड़ा हुआ है। राज्य की सरकारें यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रही हैं। मूसलाधार बारिश ने चंगर क्षेत्र में इन दिनों जनजीवन प्रभावित कर रखा है। सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा वीडियो में थड़ा ठुठरू गांव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे शासन व प्रशासन की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि थड़ा बूथ पर बीजेपी को 80% वोट मिले थे, इसके बावजूद इस इलाके का विकास नहीं हो पाने के चलते लोगों में मायूसी है। ग्रामीण अब आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस गांव के दर्द का ध्यान में रखते हुए पूर्व फौजी नायक एडी शर्मा ने पूर्व कांग्रेस विधायक संजय रतन व मौजूदा विधायक व राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष रमेश धवाला को आड़े हाथों लिया। यहाँ पर पूर्व 4 साल पहले बह चुका है, उफनती नदी में पार करना लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। साथ ही ज्वालामुखी का ये एरिया सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ माना है और यहाँ सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी असफल रही हैं। एडी शर्मा ने लिखा है कि थड़ा थुथरू गांव के लिए सरकार ना कोई चीज कर पाई है और ना ही नजर आ रही है। इनके लिए मानो सरकार ही नहीं है। 4 साल पहले बरसात में इनके लिए जो लोहे का पुल बना था वो भी बह चुका है। नायक ने आगे लिखा है कि इतना समर्थन देने के बावजूद वर्तमान सरकार, विधायक व संगठन ने ऊंचे औहदों पर बैठे लोग अगर हजारों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लिखा है कि अगर सरकार है तो वे चंगर के लोगों की पीड़ा को समझे, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन गांवों के लोगों की समस्या ये है कि ये सरकारों के बीच में पिस रहे हैं। एक सरकार के द्वारा शिलान्यास किया गया, दूसरी सरकार उसको काम नहीं करती है। दूसरी सरकार के द्वारा शिलान्यास करा हुआ, एक सरकार काम नहीं करती है। लोकतंत्र के बीच में लोगों का काम है वोट देना और ये लोग सरकारों को वोट देते हैं। ये सरकार चुनते हैं, सरकार कोई भी हो सकती है, उसमें कांग्रेस बीजेपी मायने नहीं रखती है। हमारे चंगर क्षेत्र से बड़े वरिष्ठ लोग जो हैं वो संगठन के बीच में बैठे हुए हैं ऊपर तक, और होने के ऊपर काम आए तो ये एक महीने में भी काम हो सकता है। अब इन लोगों की क्या गलती है कि ये लोकतंत्र के बीच में वोट करते हैं और विधानसभा के चुनाव में 80% वोट जो है वो वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश को यहां से गया हुआ है। मैं इस वीडियो के जरिए और इन लोगों के लिए सरकार से ये मांग करता हूं कि इन लोगों की जो समस्या है वो तुरंत हल की जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा सड़क का काम लगा हुआ है, मुझे लगता है पुल बहुत जल्दी बन जाएगा, पर पुल बनने से भी इनकी समस्या हल नहीं होती। इनका यहां पर जो पहले पुल था, जो कि पैदल ये उस पुल को पार करते थे, वो पुल 4 साल पहले बह चुका है और 4 साल पहले पुल बह चुका और 4 साल से अभी तक पिछली कांग्रेस की सरकार भी रही और 1.5-2 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट भी है। ये जो इनका पैदल जाने वाला रास्ता था, जो कि इनको आधा किलोमीटर के बाद में मुख्य सड़क से जोड़ देता है, वो पुल बह चुका और उसके लिए बजट प्रावधान भी शायद पीडब्ल्यूडी के पास में है, 4 लाख 13 लाख कैसे कैसे बता रहे हैं वो लोग। तो मेरी सरकार से मांग है कि इन लोगों की समस्या तुरंत हल की जाए और जल्द से जल्द इनके लिए पैदल चलने वाला पुल जो है वो यहां पर तैयार किया जाए, उसके लिए जितना भी बजट है वो लगाया जाए और जितना भी इनको सहयोग सरकार की तरफ से चाहिए वो सहयोग इन लोगों को मिलना चाहिए। जब पानी आता खड में तो हम इधर से उधर नहीं जा पाते हैं। दूसरा, हमारे गांव में कोई बीमार आदमी हो जाता है तो इधर डिस्पेंसरी भी नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है इधर कोई किसी भी चीज का। इधर और तो और कोई खाने की वस्तु भी ले जानी हो आदमी तो कैसे ले जाएगा।